हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका दिसंबर मंथ में, इस मंथ में 11th क्लास का जो आप सबका मासिक परीक्षा चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर 100% बिल्कुल आपको सही आपको मिलने वाला है। केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही नहीं, देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सोल्यूशन हम करके रखे हुए हैं। केवल एक बार आपको खा देंगे, यानी एक बार केवल आपको समझा देंगे ना, तो बिल्कुल आप अपने भाषा में बहुत ही इजीली तरीका से ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर बहुत ही आसानी से आप अपने एग्जाम में लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको बता देते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होगा, उस पर से लास्ट में सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सलूशन आपको करा देंगे। देखिए, 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पेपर में दिया गया है। 30 पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बेहतरीन तरीका से आप सबको करा देते हैं। ये 30 गो में से 25 गो का आपको उत्तर देना है, 25 गो प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है, 5 गो कोई भी प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक नंबर प्रश्न देखिए। एक नंबर प्रश्न है कि त्रिविमीय अंतरिक्ष में मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो 0 0 होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कोई माथापच्ची नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बिंदु 6-5-2 किस स्थान में स्थित है। तो देखिए, इसे बनाने पे यहां पे 3D तो ये बन नहीं पाएगा, एक्स वाई जेड ये तो बन नहीं पाएगा, लेकिन 100% इसका आंसर हम बना चुके हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आठवां हो जाएगा। ठीक है, आठवां स्थान में जाता है। ठीक है, ये दो नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आठ वाला होता है मेरे भाई, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दो हो गया। तीसरा का नंबर देखिए कि मूल बिंदु से बिंदु 6-0-0 के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु 0-0 होता है, तो 0-0 हो जाएगा, 3 को ले लीजिए और ये 6-0-0 हो जाएगा। तो ये पहल का कमान, ये दूसरा का मान ट्रिक आप सबको सिखाए थे ना, कि दूसरा का में से पहल का आपको घटा लेना है और घटाने के बाद उसका स्क्वायर करके रूट चढ़ा दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलाएगा। देखिए, दूसरा का मान 0, पहल का मान 6, दूसरा का में से पहल का आपको घटाना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पे लिखेगा दूसरा का मान 0, पहल का मान यहां पे 0 है, तो ये 0 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस दूसरा में से पहल का, तो दूसरा में से पहल का आपको पहल का मान 0 है, तो ये 0 घटाइएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा, तो ये सब तो 0 है, तो ये सब 0-0 हो गया। तो यहाँ पे 0 में से माइनस 6 घटाइएगा, तो माइनस 6 भी होगा, माइनस 6 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 6 चौका 36 हो जाएगा। जैसे कि देखिए, माइनस 6 का स्क्वायर कीजिएगा, तो माइनस 6 × -6, तो 6 चौका 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट 36 हो जाएगा, ये रूट 36 रूट से बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा। तो ये 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी या डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक x1 x2 z1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 है, तो त्रिभुज के केंद्रीय केंद्रक के नियामक होगा। तो देख, कुछ नहीं करना है, x1 लिया जाता है, फिर इसमें से एक बार x2 ले लीजिए, फिर इसमें से x3 ले लीजिए, यहां पे x3 यहां पे ले लीजिए, और ये 1 2 3 है ना, तो ये 3 से भाग दे दीजिए, बस यही होता है। फिर ये y1 y2 y3, फिर 3, फिर ये z1 z2 z3, फिर नीचे 3, यही इसका यह सूत्र बन जाता है। ठीक है, चलिए कहीं ऑप्शन में दिया है क्या इस तरह, हाँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 हो गया, 4 ना था यहाँ पे, ये 4 हो गया। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है कि वाई जेड तल का समीकरण है। तो देखिए, 3 को अक्षे होता है, तले होता है, एक्स वाई जेड, तो वाई जेड दिया, तो बचा कौन एक्स, तो एक्स बराबर 0 ऑप्शन ए। ऐसे आपको सोल्यूशन करा दे क्या, जल्द आपको करा देंगे। जैसे कि देखिए, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक होता है, तो वाई अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर कहेगा तो एक्स 0 होगा, वाई कह रहा है तो वाई दूसरा का नंबर पर आता है, एक्स वाई जेड, तो ये वाई कह रहा है, तो यहाँ पे ये 0 ये 0। ठीक है, यानी वाई अक्ष का कह रहा है, तो 0 y 0 ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। ऐसे आपको सोल्यूशन करा देते हैं। जैसे कि तल एक्स बराबर ए निम्नलिखित में से किस तल के समानांतर है, तो एक्स दिया है, तो बचा कौन यहाँ पे वाई जेड, और वाई जेड कहाँ पे दिया है,
छह नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा ही आपको प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं ऐसे छह का ऐसे जल्द जल्द आपको करा देंगे, क्योंकि आप सबका एग्जाम चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये जेड है, यहाँ पे जेड माइनस चार ये बराबर में उधर जाएगा तो ये ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सात ये आठ जैसे बुझा ही नहीं रहा है, ये आठ नंबर प्रश्न है, ठीक है। आठ नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जेड है तो इसमें कौन नहीं है, एक्स वाई नहीं है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और नौ नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, नौ का भी ए हो जाएगा। दस नंबर प्रश्न देखिए और दस का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए केवल आंसर को आप लिखते चलिए। ग्यारह नंबर प्रश्न देखिए, ग्यारह नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधिका हो जाएगा यहाँ पे। चलिए और बारह नंबर प्रश्न देखिए, बारह नंबर प्रश्न है कि ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य, तो इसका सूत्र ये योग वाला तो ये सूत्र होता है, लेकिन ये समानांतर माध्य तो एन से भाग देते हैं तो एन एन कट जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए बारह का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बारह हो गया, तेरह नंबर प्रश्न देखिए, तेरह नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौदह नंबर ये प्रश्न है और चौदह नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल यह सब आप सब बुझा रहा है ना। चलिए चौदह हो गया, पंद्रह नंबर प्रश्न देखिए, और पंद्रह नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, दस आ जाएगा, ठीक है। पंद्रह हो गया और सोलह नंबर प्रश्न देखिए, और सोलह नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सत्रह नंबर प्रश्न देखिए, सत्रह नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बीजगणितीय योग कितना होता है, जीरो होता है। सत्रह का ऑप्शन बी हो जाएगा। अठारह नंबर प्रश्न देखिए, अठारह का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौ होता है, ठीक है, सिग्मा बटा एक सुने सौ, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उन्नीस नंबर प्रश्न देखिए, उन्नीस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तो सूत्र है, उन्नीस हो गया। बीस नंबर प्रश्न देखिए, और बीस नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहिएगा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो लाइन से सबका सोल्यूशन करा देंगे, सोल्यूशन करना कोई बड़ा बात नहीं है। उन्नीस नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अभी आप सबका एग्जाम चल रहा है तो आंसर ही केवल टिक करते चल जाइए। यहाँ पे देखिए और 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 20 हो गया। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए 21 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, 22 नंबर का ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये सब कोई बना लेगा ये 22 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन इसका भी बी हो जाएगा, 25 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन इसका 25 का अति प्रबल ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल ये सब आप ये थोड़ा सा धुधरा आपको दिखाई दे रहा होगा, माइनस कीजिए, लेकिन ऑप्शन ही लिखते चलिए, एग्जाम खत्म होगा, सबका सोल्यूशन कहिएगा तो लाइन से करा देंगे बारी बारी से। चलिए 27 हो गया ना, 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चलिए जीरो हो जाएगा। 29 देखिए, 29 का ऑप्शन सी, और 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आयोटा माइनस 42 है ना, तो आई के पावर 4 का माने होता है एक, तो 42 है तो 4 से भाग दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। ये जैसे कि देखिए आई के पावर माइनस यहाँ पे 42 है तो ये आयोटा, ठीक है, तो ये नीचे आएगा तो ये ऐसे 42 नहीं हो जाएगा, और आई के पावर 4 का मान ये होता है एक होता है, तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए, यहाँ पे 42 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दहिया 40 होता है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। आई के पावर 2 का भी मान माइनस एक के होता है, ठीक है, ऑप्शन ए की ओर जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए, ये 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन आपको करा दिया, यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न का एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें सलूशन बेहतरीन तरीका से करा दिए हैं, केवल इसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, यहाँ पे एक का ले लीजिए, यहाँ पे दो तीन इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सबका बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन आप देखना चाहते हैं कि समझ कर अगर लिखना चाहते हैं तो सोल्यूशन देख लीजिए, कराए हैं इसी चैनल पे है, ठीक है, वह वीडियो सब समझा समझा के बेहतरीन तरीके से करा दिया, क्योंकि अभी आप सबका एग्जाम चल रहा है, ये जल्द ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताना जरूरी है यहाँ पे।
ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। देखिए इस पूरा पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। उस टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा पेपर का सलूशन करके ये सब्जेक्टिव का भी ये पूरा वहाँ पे डाल दे रहा है, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले।